तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर आप ठिकाने लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। यहाँ पर मैं बस स्टॉप पर आ गया हूँ, जो मंदिर है ना पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, उसके पास थोड़ी सी आ गई है ये बस स्टॉप, इस तरीके का बस स्टॉप है बस, और बड़ी प्रॉब्लम की बस आई है, बोल रहे हैं कि अभी 5 मिनट पहले गई है, अभी मुझे फिर से आधे घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हर आधे घंटे बाद जो है कोवलम की बस यहाँ से मिलती है। तो लो जी भाई, मुझे मिल गई है यहाँ की लोकल बस कोवलम की। बस स्टॉप का नाम है ईस्ट फोर्ट। तो भाई मैं अभी उतर चुका हूँ कोवलम बीच जो बस स्टैंड है इनका यहाँ पर। भाई बस ने ना बीच से कुछ दूर पहले ही उतारा है और यहाँ से अभी मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। तब से मुझे लग रहा है कम से कम आधा किलोमीटर तो ये रास्ता जरूर होने वाला है। भाई यहाँ पे देखो ये हेलीपैड भी बना हुआ है। लो जी भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ कोवलम बीच पे भी, और ये देख लो एक बार क्या मस्त नज़ारा है यहाँ पर। मेरे पीछे यहाँ पर लीला बीच है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, होटल के लिए भी बढ़िया बढ़िया एकदम, और कई सारी फैसिलिटी मतलब ये बोट वोट चलाने के लिए, और स्कूबा डाइविंग मेरे सुनने में आ रहा है यहाँ पर अवेलेबल है। तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर आप ठिकाने लगा सकते हैं। भाई ये कमाल की चीज़ मिल गई है यहाँ, मैं तुम्हें केकड़े दिखाता हूँ कितने सारे हैं इस बीच पे। भाई केकड़ों की लाइन लगी पड़ी यहाँ, आ जाओ जिसको ले जाना है यहाँ से पकड़ पकड़ के एकदम मस्त। ऐसे टंग मार रहे हो तैयार बैठा एकदम। भैया बीच पे ऐसे काम चलने का नहीं, मैंने जूते उतार के रख दिए वहाँ पे, भाई याद नहीं रहता बार बार, जूते पहन के आ जाओ बीच पे और बाद में दुखी हो। स्कूबा डाइविंग चल रही है यहाँ पे मस्त एकदम, और देखो कितने सारे लोग हैं क्या कर रहे हैं वहाँ, पानी साफ है वैसे यहाँ का बिल्कुल एकदम। इस जगह का पानी ना और जगह से मुझे लगा थोड़ा सा साफ है, तो इसी वजह से यहाँ पे स्कूबा डाइविंग की जा रही है, क्योंकि स्कूबा डाइविंग के लिए पानी का साफ होना जरूरी है, अगर पानी साफ नहीं होगा तो नीचे जाके क्या ही दिखेगा। कई बीच ऐसे होते हैं ना मतलब शुरुआत से एकदम गहरे होने शुरू हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा है डिस्टेंस, एक्चुअली थोड़ा सा पैदल जा सकते हैं अपना चिल कर सकते हैं एकदम। यहाँ पे साउथ इंडिया में घूमने आए हो ना तो भाई साउथ इंडियन ही बन के जाओगे अगर यहाँ पे ना कुछ दिन ऐसे ही बिना स्किन लोशन लगाए घूम कर रहे ना। जब मैं घर जाके देखता हूँ ना तो यहाँ पे ना चश्मा जहाँ मैंने पहन रखा है तो यहाँ पे बोल है ना सफ़ेद सफ़ेद अलग ही दिखाई देता है बाकी सारा काला। और कई लोगों को मैंने देखा, एक बंदे ने मास्क उतारा भाई साहब, उसने ना ऐसे मास्क पहन रखा था ना तो मास्क उतारते ही इधर से मुँह साफ और इधर से पूरा बंदर बना हुआ था एकदम से, पूरे पैरों में रेत ही रेत हुआ पड़ा है तो इसलिए मैं अभी शूज़ पहन नहीं सकता, और ये रेत है ना इतना गर्म हो रहा है ना पूरा उबल रखा है एकदम से जैसे भट्टी पर भून रखा हो किसी ने। भाई यहाँ तो जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, रेते पे तो नहीं खड़ा हो जा रहा है एक सेकंड भी, बहुत गर्म है भाई उबला पड़ा बिल्कुल से, जली पड़ी भाई चमड़ी हो तो। इसमें मक्का लाके डाल दो और पॉपकॉर्न वैसे बन जाएंगे। तो भाई कोवलम में इस वाले बीच से तो मैं निकल लिया हूँ अभी, और पास में ना एक लाइट हाउस वाला बीच भी है तो मैं उधर जा रहा हूँ अभी, देखते हैं उस बीच पे क्या नज़ारा है। सुनने में आया कि ना ये वो वाला जो लाइट हाउस वाला बीच है ना वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी हैपनिंग सा भी है, तो उसके लिए अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा जिधर से मैं आया था उधर ही डायरेक्शन में वापस जा रहा हूँ मैं। तो भाई मैं अभी फाइनली पहुँच गया हूँ केरल के जो सबसे हैपनिंग बीच है उस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो मैं पीछे गया था अभी वो तो ऐसे ही था मुझे पता नहीं था पहले कि एक्चुअली ये वाला भी बीच है जहाँ पर बस ने उतारा था ना, बस उससे नीचे ही उतरना था वहाँ से, और बस तभी एकदम ये एकदम गोवा जैसा बीच है एकदम, छाता लगा लगा के सो रहे हैं यहाँ पर लोग। भाई वो मेरे पीछे देख लो वहाँ पे सामने वो आपको दिख रहा होगा लाइट हाउस, बहुत सारी पिक्चरों में भी आपने और वीडियोज में देखा होगा लाइट हाउस ये वही है।
कोवलम बीच पे जो दिखाते हैं ना, वो बीच से देखने को मिलता है। भाई मैं धीरे धीरे ना अभी उधर लाइट हाउस के पास ही जा रहा हूँ, वो देखो। और जैसे जैसे मैं उधर बढ़ता जा रहा हूँ ना, तो रौनक सी है ना बढ़ती जा रही है एकदम से। भाई ये जो है ना लाइट हाउस के पास वाला जो बीच है ना, ये है असली केरला का जो है ना मोस्ट हैपनिंग बीच। भाई अभी तुम्हारे भाई ने ले लिया है लाइट हाउस में अंदर जाने का टिकट, तो अभी भाई तुम्हारा जा रहा है लाइट हाउस के ऊपर। एंट्री तो कर ली मैंने, 30 रुपए का टिकट है बस यहाँ अंदर जाने का। तो भाई मैं कर रहा हूँ अभी एंटर लाइट हाउस में। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा भाई, फिर उसके बाद मिलेगी लिफ्ट। सेकंड फ्लोर सेकंड भैया सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट छोड़ दिया, बस थोड़ा सा ऊपर जाना है पैदल। लो जी भाई बस पहुंचने वाले, हवा लगने लगी ठंडी ठंडी यहाँ से। भाई अभी मैं आ गया ऊपर लाइट हाउस में, ये देखो अभी ऊपर का नजारा देख लो, अभी दिखाता हूँ पूरा 360 व्यू एक बार। शाम होने वाली है, बंद होने वाला है बीच हाउस, और चलते हैं नीचे की लाइट भी देख लें। भाई चल दिया अब यहाँ से लाइट हाउस से, बहुत मजेदार सीन था ऊपर, मैंने वीडियो काफी सारी बना ली थी, आपको दिखा भी दिया कि कैसा व्यू दिखता है लाइट हाउस से, एकदम मस्त सीन है। 5:30 बजे करीब ये बंद कर देते हैं लाइट हाउस को। पहले तो हम सोचे थे कि सनसेट वहीं से देखेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस टाइम तक तो ये बंद कर देंगे। भाई जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है इस बीच पे ना पब्लिक बढ़ती जा रही है, देख लो कितना हैपनिंग हो गया है बीच एकदम से, पूरा गोवा बना रखा है भाई इस बीच का। Thank you.
दोस्तों अपना त्रिवेंद्रम का सफर जो है यहीं पर पूरा होता है। त्रिवेंद्रम में हमने मंदिर घूम लिया, म्यूजियम घूम लिया और कोवलम घूम लिया। जो मेन दो बीचेस थे, दो तीन बीचेस हैं कोवलम में, वो घूम लिए, लाइट हाउस देख लिया और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से मैंने, जिनकी पिक्चर ले ली है, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करता रहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा शाम तक यहाँ पर बीच पर ही टाइम पास करूँगा और वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर बाद कैमरे में कुछ भी दिख पाना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी यहाँ पर नहीं होगी। तो आई होप आपको ये मेरी त्रिवेंद्रम की जो है जर्नी पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नवल एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।